सुप्रभात। आज प्रथम पाठ पहला पाठ सुभाषितानि पढ़ेंगे। तो पहले इस श्लोक का वाचन करते हैं, फिर इनका अर्थ देखते हैं। पृथिव्या त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम् मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तप्ते रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्नावसुंधरा। सद्भिरेव सहातीत सद्भिकुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्री च न सद्भिः न असद्भिः किंचित आचरेत। धनधान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। क्षमा वशी कृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्ग करेयस्य किं करिष्यति दुर्जनः। तो पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम् मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इसमें जो पृथ्वी पर रत्न प्राप्त होते हैं उनके बारे में कहा गया है कि पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर तीन रत्न है, पृथ्वी पर तीन रत्न है, जलम अन्नम जल अन्न सुभाषितम सुंदर वाक्य, ये तीन प्रकार के रत्न है। किंतु मूढ़ैः मूर्खों के द्वारा पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ैः मूर्खों के द्वारा पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा दी गई है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, अगला है, यहां पृथ्वी पर तीन रत्न है, जल अन्न और सुभाषित सुंदर वाक्य, मूढ़ैः मूर्खों के द्वारा पत्थरों को रत्न की संज्ञा दी गई है। अब अगला है सत्येन, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन पृथ्वी धार्यते, सत्य के बल पर ही, सत्य पर ही यह पृथ्वी धार्यते धारण की जाती है, अर्थात यह सत्य के बल पर ही यह पृथ्वी टिकी हुई है। और सत्येन तपते रवि, रवि सत्येन तपते, सूर्य सत्य के बल पर ही तपता है, ताप प्रदान करता है। और सत्येन वाति वायुश्च सत्य के द्वारा ही, सत्य के आधार पर ही वायु, वायु वाति हवा चलती है बहती है। और सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य पर ही आधारित है, सत्य पर ही आधारित है, यह इस श्लोक में बताया गया है। दाने दाने तपसी, अगला है, दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दान में दाने तपसी, दान में तपस्या में शौर्य पराक्रम में वीरता, और दान में तपस्या में और वीरता में विज्ञाने विनये, विज्ञान में विनय में और नीति में विस्मयो नहीं कर्तव्यो, विस्मय नहीं करना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, यह हमारी जो धरती है, पृथ्वी है, भारत भूमि है,
यह बहुत से रत्नों से युक्त है, अर्थात यह सर्वगुण संपन्न है, इसलिए आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि कौन अधिक दानी है, तपस्या कौन अधिक कर सकता है, कौन पराक्रमी है, जैसे महाराणा प्रताप आदि बहुत सारे वीर हुए हैं, विज्ञान में विज्ञान कितना प्रगति कर लिया है, विनय में विनयशीलता और नीति में, आश्चर्य नहीं करना चाहिए, इस तरह से इस श्लोक में बताया गया है। और आगे बताया गया है कि हमेशा किसकी संगति करना चाहिए, सज्जन लोगों की ही संगति करना चाहिए, सद्भिरेव सज्जन लोगों की ही, सद्भिरेव सहातीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादम च, मैत्री तीन च न सद्भिः किंचित आचरेत, सद्भिरेव सद्भिरेव सहातीत सद्भिरेव सज्जनों के साथ ही, सहातीत बैठना चाहिए, असद्भिः कुर्वेत संगतिम हमेशा सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों की के साथ बैठना चाहिए, सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए, असद्भिः विवादम मैत्री च, सज्जन लोगों के साथ ही मित्रता और वाद विवाद करना चाहिए, सज्जन लोगों के साथ ही मित्रता और वाद विवाद करना चाहिए, न च और न सद्भिः किंचित आचरे, और जो सज्जन नहीं है अर्थात जो दुष्ट व्यक्ति है असज्जन है उनके साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए, न तो उनके साथ मित्रता करनी चाहिए, न विवाद करना चाहिए, न तो उनका उनके साथ रहना चाहिए, इस तरह से इस श्लोक में बताया गया है। तो आज यही तक, अगले दिन फिर आगे पढ़ेंगे, और इन श्लोकों को याद करना है, आज का गृह कार्य यही है, इन श्लोकों को याद करो।